हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एस्ट्रोमी के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। यहाँ अमिता प्रिंट और प्रेम को कहती है, लिली यहाँ क्या कर रही है? प्रिंट कहता है, मैंने पता लगाया है, वो सच में अपने काम के लिए ही यहाँ आई है। अमिता परेशान होती है तो प्रेम कहता है, वो तुम्हें या बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। अमिता घबराई होती है और कहती है, इसने जो मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल सकती, पर उससे निक और रैन को नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकती। अमिता प्रिंस से तो अच्छे से बात करती है, पर प्रेम से रूडली यहाँ से चली जाती है। प्रेम कहता है, हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहती है? यहाँ आंट अमिता को कहती है, निक और रैन प्रेम के साथ है, उन्हें खाने के लिए बुला लाए। अमिता आती है, उन्हें साथ में खेलता दे। वो रख जाती है, उन्हें दूर से ही देख रही होती है। फिर निक और रैन अमिता को देख लेते हैं और उसे भी बुला लेते हैं। निक और रैन अमिता और प्रेम के साथ बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ प्रेम अमिता को कहता है, तुम कब तक मुझसे गुस्सा रहोगी? अमिता कहती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बल्कि तुमसे नफरत करती हूँ। निक कहता है, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अमिता कहती है, कुछ भी नहीं। निक और रैन अमिता को हक कर लेती है। यहाँ प्रेम भी अमिता को हक कर लेता है। अमिता कहती है, क्या कर रहे हो? प्रेम कहता है, मैं भी तो तुम्हारी फैमिली हूँ। और यहाँ अमिता को टीस कर रहा होता है। इधर दिखते हैं लिली छुपकर इन लोगों को साथ देख रही होती है। उसे बड़ा अजीब लगता है, अमिता और प्रेम इन दोनों बच्चों के साथ क्यों है? बिल्कुल पेरेंट्स की तरह लग रहा है। उनके फोटोस ले लेती है। और अब यहाँ ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। प्रेम यहाँ अमिता को भी सर्व करता है। प्रेगनेंसी की वजह से स्ट्रेस के स्मेल से अमिता को काफी परेशानी होती है। वो यहाँ जल्दी से भाग जाती है। प्रेम भी अमिता के पीछे जाता है। उनके बीच प्रेम और आंट भी आ जाती है। प्रेम अमिता को कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? और अमिता बाहर आती है। आंट तो समझ जाती है कि अमिता को क्या हुआ है। यहाँ प्रेम बहुत ही परेशान होता है। आंट प्रेम को कहती है, बस थोड़ी थक गई है, ये आराम करने से ठीक हो जाएगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अमिता को अपने साथ ले जाती है। यहाँ अमिता सोई होती है। प्रेम उसके पास आकर बैठ जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करो, मुझे अपनी हर बात बताओ। एक दिन मैं उस लायक भी बनूंगा कि तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं तुम्हारा और बच्चों का दिल से ख्याल रखना चाहता हूँ। इधर टीना और थिप एक साथ होते हैं। टीना कहती है, अब मैं शॉप बंद करूंगी तो तुम अपना काम घर पे जाकर करो। थिप यहाँ से बड़े प्यार से बात करता है, कहता है, हम साथ भी तो यहाँ रह सकते हैं, तुम मेरी हेल्प भी कर सकती हो काम में। फिर टीना उसके फॉरहेड पे हिट कर दी। थिप कहता है, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं जा रहा हूँ। थिप की इन हरकतों से टीना के चेहरे पे स्माइल होती है। इधर अमिता की आंखें सुबह खुलती है तो देखती है प्रेम उसके पास ही सोया है। वो टेबल पर से अपना फोन लेने लगती है। तभी यहाँ प्रेम की भी आंखें खुल जाती है। ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। तभी अमिता देखती है उसके फादर का कॉल है, जिन्होंने की अर्जेंटली उसे घर बुलाया है। अमिता और प्रेम दोनों हैरान होते हैं कि ऐसा क्या हो गया। यहाँ प्रेम को अकेला छोड़कर ही अमिता बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। प्रेम कहता है, शायद घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है, तुम अभी उसे परेशान मत करो। इधर मिस्टर खुन भी प्रेम को जल्दी ऑफिस आने को कहते हैं। निक और रैन अमिता को कहते हैं, वो प्रेम के साथ ही रहना चाहते हैं। वो बहुत ही शोर पे मचा रहे होते हैं। अमिता कहती है, आप उनसे बाद में मिल लेना, अभी हमें घर जाना है। इधर अमिता जैसे ही घर आती है, उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें थोड़ा सा भी प्राइड नहीं बचा है। उस प्रेम ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर तुम उसके साथ क्या कर रही हो? दरअसल लिली ने वो फोटो अमिता के फादर और मिस्टर खुन को सेंड कर दिए थे। यहाँ अमिता की आंखों में आंसू होते हैं। पहली बार उसके फादर ने उस पे हाथ उठाया। फादर कहते हैं, तुम प्रेम के साथ क्या कर रही थी? अमिता कहती है, रिसोर्ट में कॉन्सिडेंटली उसकी मुलाकात प्रेम से हुई और वहाँ पे प्रिंट भी मौजूद था। आंट अमिता को कहती, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाए, सारा सच अपने पेरेंट्स को बता दे। अपने फादर को इतने गुस्से में देखकर अमिता आंट को भी रोक लेती है। यहाँ फादर अमिता को कहते हैं कि कल उसकी शादी निप से होगी। अमिता भी अपने फादर को और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। वो कहती है, वो शादी के लिए तैयार है। इधर मिस्टर खुन भी प्रेम पे बहुत ही गुस्सा होते हैं। कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे अमिता के साथ रहने की? तुम उसे डेट कैसे कर सकते हो? मेरी दुश्मन की बेटी है। पर प्रेम कहता है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ। वैसे भी आपने कभी भी मुझे अपना बेटा नहीं माना है, आपने पूरी दुनिया से ये सच छुपा कर रखा है। मिस्टर खुन कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम उस लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहे हो। प्रेम कहता है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ मिसेस खुन्ना हैरान होती है हमको इतने गुस्से में देखकर। इधर निप अमिता को कहता है, हमारे पास तो लड़कों की लंबी लिस्ट है, कभी तुम प्रेम के साथ रहती हो तो कभी प्रिंट के साथ, ऐसे ये बच्चा किसका है? अमिता कहती है, अपने जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे इंसल्ट करने का। इधर अमिता ने कर रैन को सलाह दी है। यहाँ अमिता को कह दिया, आखिर कब तक तुम अपनी प्रेगनेंसी के बारे में प्रेम से छुपाओगी? धीरे धीरे तुम्हारा
स्टमक भी बड़ा होता जाएगा, सबको तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ वो प्रेम को तो दूसरा मौका देने से रही, तो अनुप से शादी करी, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी पे कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। इधर प्रेम लिली से मिलता है, उसे पता चल गया होता है मिस्टर खुन को फोटो लिली ने ही भेजे है। क्या वो लिली को कहता है ने ये सब क्यों किया। लिली कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ प्रेम उसे कहता है अगर तुमने दोबारा पिता को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर यहाँ कैमरा देख कर तो लिली प्रेम के गले पर जाती है। प्रेम बड़ी मुश्किल से उसे दूर करता है, कहता अपनी हरकतें बंद करो। इधर मिता और टीना को भी पता चल गया होता है वो फोटोज किसी और ने नहीं बल्कि लिली ने सबको सेंड किया। यहाँ ये दोनों लिली को सबक सिखाने आई होती है। पहले तो इन लोगों के बीच आर्गुमेंट होता है, अचानक से लिली मिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है, कहती है मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये देख कर तो मिता और टीना दोनों ही हैरान होते हैं। इधर मिस्टर खुन प्रेम की मम को कॉल करके कहते हैं कि वो प्रेम को कैसे भी मनाए द्वारा उनके साथ श्री मंत्रा में काम करने के लिए, पर मम कहती है वो इसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ये प्रेम का खुद का डिसीजन है। इधर मीता और टीना देखते हैं लिली तो बहुत शातिर होती है, तब उसने अपनी माफी मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया और यहाँ दिखाया मीता उसे ह्यूमिलेट कर रही है। टीना कहती है लिली तो हद से ज्यादा घटिया निकली, इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इधर आंट प्रेम को बता देती है मीता कल निप से शादी करने वाली है, पर प्रेम कहता हुआ ऐसा कभी नहीं होने देगा। इधर टीना एक बार फिर लिली से झगड़ा कर लेती है, वो बहुत ही गुस्से में होती है, कहता आखिर क्या हुआ बताओ तो। अचानक से दोनों करीब आ जाते हैं। टीना कहते तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड हमेशा मेरी दोस्त को परेशान करती रहती है। यहाँ थिप कहता है मेरे डैड पे बहुत ही गुस्सा प्रेम को मिता के साथ देखकर, अब तो प्रेम हमारी कंपनी में काम भी नहीं करता उसके बावजूद भी। वैसे वो दोनों बच्चे कौन थे। टीना कहती है मैं नहीं जानती। इधर मिता हॉस्पिटल आई होती है, उसके पीछे यहाँ प्रेम भी आ जाता है, पर यहाँ मिता उसे देख लेती है, कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। प्रेम कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो, इससे पहले भी तुम उस दिन हॉस्पिटल आई थी, फिर तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही। मिता कहती है तुम्हें जानने का कोई हक नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेम कहता है मैंने बस तुमसे एक मौका मांगा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो, तुम जितना चाहो उतना मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे मार सकती हो, पर मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे माफ कर दो। क्या मिता भी इमोशनल हो दे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें मेरी लाइफ और बर्बाद करने नहीं दूंगी। और यहाँ से चली जाती है। यहाँ प्रेम बहुत ही दुखी होता है। इधर प्रेम निप को कहता है तुम मुझसे प्यार कर रही हो, मिता से तुम सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहे हो, नहीं तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे। निप कहता है कभी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इधर रात में निको रैन भी मिता को बार बार कहते वो प्रेम से मिलना चाहते हैं, मिता बड़ी मुश्किल से उन्हें सुला दी है। इधर प्रेम बहुत ही उदास होता अपने मॉम को सारी बात बताता है, पर मॉम कहती है मिता से प्यार कर रही थी, अब तुम्हारे दो बच्चे भी हैं, मैं से हार नहीं मान सकती, अगर तुम मिता को खो दोगे तुमसे तुम्हारे बच्चे भी दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट डे शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं, धर्मिता तैयार हो रही होती है, गेस्ट्स भी आ चुके हैं। टीना मिता को कहती है तुम एक बार फिर सोच लो, फिर मिता कहती है अब उसके पास यही रास्ता है अपने फादर कंपनी को बचाने का, वो पहले अपने फादर को बहुत एम्बेरस कर चुकी है। जैसे ही ने मिता को रिंग पहनाने वाला होता है अभी यहाँ प्रेम की एंट्री होती है, कहता है मिता से वो शादी करेगा। यहाँ तो सारे लोग हैरान होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।